खबर एक बार फिर से क्राइम के हवाले से आपको बता दूं कि आए दिन ऐसे मामले जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं, जहां पर जो भगोड़े हैं या कुख्यात अपराधी हैं उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा ही एक और मामला जो है वो अखनूर से सामने आया है, जहाँ पर आपको बताते पुलिस स्टेशन अखनूर द्वारा एक कुख्यात अपराधी को जो है PSA के एक्ट जो है तहत जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पर बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दूं कि बहुत सारी जिस तरीके से अपराधों में इसका नाम शामिल था और लगातार पुलिस से ये भागता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अब फिलहाल एक बार पुलिस की गिरफ्त में जगह ये अपराधी जो है वो आ चुका है। ये तस्वीर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये उसी अपराधी की जो है जिस पर बहुत सारी धाराएं जो है वो लगी हुई थी, बहुत सारे जो अपराध में थे इनका नाम भी जो था वो शामिल था और ये कुख्यात अपराधी है जिसे पुलिस स्टेशन अखनूर द्वारा PSA के तहत इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और आपको बता दूं कि ये कुख्यात अपराधी का नाम रोशन लाल उर्फ रोशा है, जिसके पिताजी का नाम सेवा राम निवासी नवाखू सोल तहसील अखनूर से जो है ये सामने आ रहा है। और आपको बता दूं कि जिला जम्मू में भी जम्मू के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी जो कि कई मामलों में गिरफ्तारी से ये लगातार बच रहा था और अब ये बचा नहीं गया, अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरी में SDP अखनूर मोहन शर्मा के नेतृत्व में PS अखनूर की विशेष पुलिस टीमों ने SHO अखनूर इंस्पेक्टर जहीर मुश्ताक की सहायता से संदिग्ध स्थान पर छापा मारा और इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी उपलब्धि जो है अखनूर पुलिस स्टेशन द्वारा मानी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे अपराधों में इसका नाम शामिल था, जाहिर तौर पर बात है कि गिरफ्तार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब आपको ये बता दूं कि इसकी क्या क्या गतिविधियां हैं, किस किस में इसमें जो था इसका नाम शामिल था। आपको बता दूं कि उक्त अपराधी जो है गतिविधियों में शामिल होने का आदी था और ऐसे कई मामले थे जिनमें आरोपी ये शामिल भी हुआ था और इस मामलों का जो विवरण है उस पर भी हम आपको ज़रूर डिटेल में बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ज़िला मैजिस्ट्रेट जम्मू द्वारा आरोपी के खिलाफ जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 की धारा 8A के तहत आदेश संख्या 18 PSA 2023 दिनांक 1/10/2023 के तहत PSA के तहत जो है वारंट जारी कर दिया गया था। और उसके अलावा किन किन मामलों में इसका अब नाम शामिल था, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, लगभग और भी 6 मामलों में इसमें इसका नाम था वो हम आपको बता दूं कि कौन कौन सी FIR है। FIR नंबर 147-2009 US 382-341 147-148-149 323-504 RPC 4/25 आर्म एक्ट PS अखनूर और केस FIR नंबर 178-2011 UPS 341-323-34 RPC ऑफ PS अखनूर, केस FIR नंबर 87/2015 US 307-147-341-323-148-201 IPS RPS 425 आर्म ऑफ आर्म्स एक्ट ऑफ PS अखनूर, केस FIR नंबर 148-2015 US 354-D504-506-109 IPF पुलिस स्टेशन अखनूर, केस FIR नंबर 177/2023 IPS की धारा 341-323 के तहत पुलिस स्टेशन अखनूर का 4/25 आर्म्स एक्ट, पुलिस स्टेशन अखनूर की धारा 107/117 RPF के तहत एक निवार के उपाय। आखिरकार आज वारंट की तामील हुई और आरोपी को सेंट्रल जेल कोर्ट भलवाल जो है वो भेज देने का मामला सामने आया है। बड़ी कामयाबी अखनूर पुलिस के लिए, ऐसे अपराधियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा FIR इतने ज़्यादा मामले जो हैं वो दर्ज हों, तो ये अपराधी जो है ये कतई भी पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराधी जो हैं वो एक जुर्म करके उसका पश्चाताप नहीं करते हैं, बल्कि उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि वो अगला अपराध जो है वो और करें, क्योंकि जब उनको लगता है कि वो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं तो वो लगातार ऐसे अपराधों को अंजाम देते रहते हैं और होता क्या है, आम जनता परेशान, आम जनता को नुकसान और ये अपने आप को ज़्यादा जो है वो होशियार मानते हैं। फिलहाल इसे कोर्ट भलवाल जेल जम्मू में तो भेज दिया गया है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर और होनी चाहिए।